तो अब हम टॉपिक लेंगे कार्बोनिल कंपाउंड. कार्बोनिल कंपाउंड इंक्लूड्स एल्डिहाइड एंड कीटोन. एल्डिहाइड एंड कीटोन. तो इस कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर आप ये दोनों तरह के कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे. तो मेनली आप सबको मालूम है कि इसमें जो फंक्शनल ग्रुप होगा सी डबल बॉन्ड ओ, ये तो होगा ही होगा. साथ में अगर आप एल्डिहाइड लेना चाहते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ मेन हो गया. एल्डिहाइड अगर आप देखते हैं तो इन दोनों वैलेंसी में से एक होना चाहिए हाइड्रोजन और एक कोई आर ग्रुप होना चाहिए या एच भी हो सकता है. तो अगर आप एक तो मिनिमम एच होना ही चाहिए, दूसरा आर और एच में से कुछ भी हो सकता है, तो वो तो आप एल्डिहाइड के अंदर रखें. If both valencies, these two, are satisfied with R group, then that is the ketone. तो ketone और aldehyde में main जो difference आपको नजर आ रहे हैं, तो इसलिए कहा जाता है कि aldehyde means CHO group और ketone means C double bond group. Okay? तो इसमें जो main functional group है वो C double bond O है. और दोनों के लिए हो गया सी डबल बॉन्ड ओ. अगर एच है तो एल्डिहाइड, अगर दोनों आर है तो कीटोन. अब इसका मेन जनरल फार्मूला देखते हैं हम. जनरल फार्मूला आपने देखा होगा, जैसे एल्केन का जनरल फार्मूला है CnH2n+2. आप इसी से इसका भी फार्मूला बना सकते हैं. कैसे है देखिए, आप एक कंपाउंड लेकर के अगर हम इस पर बताएं आपको, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, अगर इससे हम एल्डिहाइड बनाना चाहते हैं. कीटोन तो इससे बना नहीं सकते, क्यों? कीटोन के लिए मिनिमम तीन कार्बन की जरूरत पड़ेगी. तो इसमें हमारे पास में दो कार्बन हैं, तो इससे अगर हमने कोई कार्बोनिल कंपाउंड बनाना है, लेट के एल्डिहाइड बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये यहाँ पर तीन हाइड्रोजन है, देख रहे हैं तीन हाइड्रोजन में से दो हाइड्रोजन को हमने हटाना होगा, किसी भी दो हाइड्रोजन, और उसकी जगह क्या लाना होगा, डबल बॉन्ड को लाना होगा. एक हाइड्रोजन अपनी जगह पर बना रहेगा. तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन को हटाना, हमने दो हाइड्रोजन अगर हटाएंगे, जैसे ये भी हाइड्रोजन हटा, ये भी, इन दो वैलेंसी को सेटिस्फाई करना है ओ से, तो ऐसा कुछ बन जाएगा CH3C. ये वाला हाइड्रोजन अपनी जगह बना रहेगा, एच, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन हमने हटाया, दोनों की जगह पर दो बॉन्ड ओ से जुड़ गया, तो हमारा क्या बना, ये एल्डिहाइड. तो अब इस एल्डिहाइड को अगर आप चाहते हैं कि कोई इसका जनरल फॉर्मूला हो, तो देखिए एल्केन का जनरल फॉर्मूला आपके सामने है CnH2n+2, ये तो एल्केन का है. अब आप देख रहे हैं कि इसमें से हमने क्या किया, दो हाइड्रोजन को अलग किया. इट मीन्स इस साइड में अगर आप देखें CnH2n+2 तो हमारा फॉर्मूला था ही, दो हाइड्रोजन कम किए मीन्स -2, और आपने दोनों की जगह क्या लगा दिया ओ, तो इससे आपका एक जनरल फॉर्मूला बनेगा, +2 -2 कैंसिल हो गया, तो फॉर्मूला आया CnH2nO. दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर बोथ द एल्डिहाइड एंड कीटोन, दोनों के लिए हो गया. तो इसका मतलब कार्बोनिल कंपाउंड के लिए हमारा फॉर्मूला आता है CnH2O. अब इसके लिए IUPAC में जो है क्या वर्ड यूज किया जाता है, क्या टर्म यूज किया जाता है, वो भी देखिएगा. एल्डिहाइड की जहां तक बात है, एल्डिहाइड के लिए एल्डिहाइड, तो इसमें आप देखते हैं कि एल्डिहाइड में लास्ट में जो है, जो एल्केन में ई है, एल्केन देखिए, एल्केन ये ई हटेगा और इसकी जगह आ जाएगा आर, तो इट मींस एल्केन. अब उसी तरह से अगर कीटोन की बात हम करें, तो कीटोन में आप देखते हैं जैसे एल्केन है तो ई हटेगा तो ओन लगेगा, तो एल्केन. तो ये दो तरह के जो कंपाउंड हैं, इनके IUPAC नेम में एक में अल लगता है और एक में ओन लगता है. नाउ एग्जांपल, लेट एल्डिहाइड के ले लें, तो एक सबसे सिंपल ले लेते, पहले सी डबल बॉन्ड ओ, एच और इधर भी एच, दोनों साइड में अगर आपका एच है तो
तो अगर इसके लिए आप देखें तो एक कार्बन है, एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए आप देखते हैं मैथ और आप देख रहे हैं एल के मीथेन लिखते हैं तो ई हटेगा मीथेनल, ठीक है ना। कॉमन नेम सबको मालूम है, फॉर्मेल्डिहाइड इसको बोला जाता है, दैट इज द कॉमन नेम फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड का ही आईयूपीएसी नेम हो गया हमारा मीथेनल। अब इसके अलावा दूसरा अगर हम दें CH3C डबल बॉन्ड OH, ओके, कार्बन नंबर वन, कार्बन नंबर टू, दो कार्बन है, इथेनल इसको कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से कीटोन के अगर हम यूपीएससी लें, कीटोन का अगर एक सिंपलेस्ट कीटोन अगर आप देखें CH3C डबल बॉन्ड ओ CH3, इसके नंबर ऑफ कार्बन देख रहे हैं आप 1, 2, 3 प्रॉप आप इसको बोलते हैं तो ये आ जाएगा प्रोपेनोन, क्योंकि प्रोपेनोन है मिनिमम जो कार्बन की जरूरत है ओन के लिए, यानी कि कीटोन के लिए वो तीन है, तो इसमें टू ओन भी लिखने की जरूरत नहीं है, प्रोपेनोन टू लिखते हैं या प्रॉप टू ओन लिखते हैं या टू प्रोपेनोन लिखते हैं, जस्ट प्रोपेनोन लिखते हैं और से। इसी तरह से कुछ और चेंज करें हम कीटोन के लिए CH3 डबल बॉन्ड ओ CH2 CH2 CH3, अगर ये कंपाउंड आपके पास में है तो ये कीटोन है, तो इसमें अगर आप देखें 1, 2, 3, 4, 5 तो ये टू पे आया है तो ये आ जाएगा पांच कार्बन है तो पेंट टू ये हो जाएगा इसका आईयूपीएसी, ओके। तो इसके बाद जो है इसके प्रिपरेशंस में हम आते हैं, प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड फर्स्ट फ्रॉम अल्कोहल। तो अल्कोहल से अगर हमें कोई कार्बोनिल कंपाउंड बनाना है, इट मीन्स एल्डिहाइड या कीटोन बनाना है, तो कैसे उसको करेंगे, हमें लेना है दो अल्कोहल, जैसे हमारे पास में हमें मालूम है कि प्राइमरी अल्कोहल भी है, सेकेंडरी अल्कोहल भी है, टर्सरी अल्कोहल भी है। टर्सरी अल्कोहल का जो ऑक्सीडेशन है वो तो बहुत ही टफ है, लेकिन हम प्राइमरी और सेकेंडरी का ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। तो प्राइमरी और सेकेंडरी लेट की एक प्राइमरी अल्कोहल ले लेते हैं CH3CH2H, इसका अगर ऑक्सीडेशन करते हैं लेट के एसिडिक मीडियम में K2Cr2O7 आप ले सकते हैं और उसके अलावा K1O4 आप ले सकते हैं। तो K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में अगर लें K2Cr2O7 और मीडियम है हमारा एसिडिक, तो जो ये ऑक्सीडाइजिंग जो एजेंट है वो इसको प्रोवाइड करेगा ऑक्सीजन, ये इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, या क्या काम है उसका देखिए, ऑक्सीडाइजिंग या तो ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा या उसमें से हाइड्रोजन को निकालने में हेल्प करेगा। तो वो ऑक्सीजन जो इसके अंदर है वही ऑक्सीजन जो है इसमें से हाइड्रोजन को आउट करेगी। तो इस तरीके से ये जो प्राइमरी अल्कोहल है हमारे पास में, ये प्राइमरी अल्कोहल तो जो चेंज हो जाता है ना, यहाँ पे दो एच है, ये एच है, एक एच और ये एच मिलकर के एच टू बन जाता है और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाता है, तो ये तो ये बन जाता है, देखिए CH3C डबल बॉन्ड ओ एच प्लस हो गया, आपका एच टू निकल गया और यहाँ से अगर आप ऑक्सीजन ले लेते हैं तो वही मिलकर के एच टू ओ भी बन जाता है, ठीक है ना। तो इसको मेमोराइज करने के लिए कुछ चीजें हैं, किस तरह से इसको माइंड करें, ये है CH3CHH, दो एच है, ओ एच है, तो इसको हमने हमेशा याद रखना है, कुछ इस तरह से करना है, O और H के बीच का बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, जैसे O और H के बीच का बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, तो साइमल्टेनियसली ये H और ये मिलकर के H नेगेटिव और H प्लस मिलकर के क्या बना देंगे, H2 बना देंगे,
और जो यहाँ बना है यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाए, इट मीन्स सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ एच प्लस हो गया एच टू ओ, यहाँ से मिल गया आपका के टू सी आर टू ओ सेवन और एच प्लस। क्लियर? तो ये तो था प्राइमरी अल्कोहल। अगर आप प्राइमरी अल्कोहल वन डिग्री अल्कोहल लें, वन डिग्री अल्कोहल के साथ में तो एल्डिहाइड बनता है, वन डिग्री अल्कोहल के साथ में एल्डिहाइड बनेगा, ठीक है ना। अब लेकिन अगर हम टू डिग्री अल्कोहल लें, सपोज टू डिग्री अल्कोहल है सी एच थ्री सी सी एच थ्री एच और ये ओ एच, ये टू डिग्री अल्कोहल है। और हम इसी तरह से के टू सी आर टू ओ सेवन और एसिडिक मीडियम अगर हम लें, के टू सी आर टू ओ सेवन और एसिडिक मीडियम, तो क्या क्या चीजें होंगी, देखिए सेम मैकेनिज्म उसी तरह से हम लें, जो समझने वाली चीज है ये मेमोराइज करने के लिए है, एग्जैक्ट पूरा मैकेनिज्म इसमें नहीं दिया गया है। ये है O और H के बीच का बॉन्ड यहां शिफ्ट हुआ, ये H नेगेटिव इसके साथ में आया तो H प्लस और H नेगेटिव मिलकर के H2 बना देंगे, और यहां से अगर उसको O मिल गया तो वही H2O बनेगा और ये आ जाएगा यहाँ पे डबल, तो बना कुछ इस तरह का CH3, ये आ गया हमारा क्या डबल बॉन्ड O, तो ये बन जाएगा प्रोपेनो ओके। इसी तरह से एक मेथड हमारे पास में ये जो अल्कोहल से ली, और दूसरी मेथड से अब आपको बताते हैं फ्रॉम विद द हेल्प ऑफ द ग्रीन एजेंट, नंबर टू आ जाएगा फ्रॉम साइनाइड, लिख देते हैं साइनाइड और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करके भी आप एल्डिहाइड या कीटोन कुछ बना सकते हैं, देखिए क्या बनता है, नंबर टू मेथड है। लेट हमने लिया एक कंपाउंड आर सी एन, ये है साइनाइड ओके, एल्काइल साइनाइड, तो इस पे अगर हमने रिएक्शन करी सी एच थ्री एम जी बी आर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो जैसा कि हमें मालूम है नाइट्रोजन और कार्बन में नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दिस वन शिफ्टेड टुवर्ड्स नाइट्रोजन, ठीक है, एंड ड्राइविंग फोर्स इज आर बिकॉज ऑफ द प्लस आई इफेक्ट, और यहां अगर आप देखें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में सी एस थ्री एम जी बी आर, जो सी एस थ्री और एम जी के बीच में जो ऑर्गेनो मेटेलिक यहाँ पर ये जो बॉन्ड है मॉइटी है, तो Mg जो है पॉजिटिव है और CH3 वाला पार्ट क्या हमारा नेगेटिव है, तो इससे यहाँ पे जो लिंकेज हो रहा है वो कैसे होगा, देखिए CH3 नेगेटिव है तो ये तो यहाँ आ जाएगा, और ये पाई बॉन्ड अगर यहाँ शिफ्ट होना है, यहाँ जो नेगेटिव आएगा उससे जुड़ना है आपका ये वाला पार्ट, तो फाइनल जो यहां पे बना अभी वो ये बना आर सी डबल बॉन्ड रहेगा एन, और सी से जुड़ना है आपका सी एच थ्री ओके, और एन से जुड़ जाना है क्या एम जी बी, ऐसा कुछ बन गया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हम साइमल्टेनियसली भी कर सकते हैं इसको, या इसमें पहले एसिडिक मीडियम अगर हम दे दें इसको, हम एसिडिक मीडियम में अगर इसको मिलाएं तो यहाँ पर होता क्या है, एक्चुअली जो ये ये वाला बॉन्ड है ये यहाँ से हट करके, या आप ये देखते हैं इसमें लोन पेयर है, यहाँ पर भी लोन पेयर था, ठीक है लोन पेयर तो पहले से ही बना हुआ है, यहाँ पर ये बॉन्ड यहाँ आया तो जो नेगेटिव आया उस पर ये जुड़ गया। अब अगर यहाँ पर हम H प्लस यहाँ पे जो हमने किया है वो एसिडिक मीडियम अगर इसमें मिलाएं तो ये जो है यहाँ पर से ये हट जाता है ये वाला, और इसकी जगह पर क्या आ जाता है एसिड मिलाने एच सी एल वगैरह मिला के भी ऐसा कर सकते हैं हम, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा हमारा R C
H3 डबल बॉन्ड N और ये आ गया H, ये हट जाएगा। अब HCl अगर मिला है H प्लस और Cl माइनस, तो ये जो बॉन्ड है इस तरह से हो जाएगा। अगर पूरा HCl को लेकर के अगर हम बताएं, मैंने शॉर्ट में लिख दिया H पॉजिटिव, तो अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो अब HCl ले लो। तो HCl लेकर के आप देख रहे हैं कि H और Cl में ये प्लस है, ये माइनस है, कैसे क्या है, MgBr किस फॉर्म में अलग हुआ। आपको अगर लगता है कि ये Br है तो आप HBr भी ले सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसको कंपाउंड को कुछ भी ले लीजिए आप। ये जो N और Mg है, इन दोनों में इलेक्ट्रो पॉजिटिव कौन है, ये है इलेक्ट्रो नेगेटिव ये है, तो ये पाई बॉन्ड हमारा यहाँ, ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ शिफ्ट किया, दिस वन इज अ सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पे आया पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे आया नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा, जस्ट पोलैरिटी आपके सामने रखी। तो देख सकते हैं आप एच पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना, सी एल नेगेटिव आपका इसके साथ में जुड़ जाएगा। तो क्योंकि यहाँ बी आर है, यहाँ सी एल है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं करना, माइनस एम जी बी आर और सी एल हो गया, ठीक है। और अगर आप एच बी आर ले लें तो सिंपली एम जी बी आर टू बच जाएगा, ओके। और जब ये बॉन्ड यहाँ आया तो एच प्लस यहाँ जुड़ गया, तो ये आ गया। तो ये इमीन हीट कंपाउंड है, ई एम आई एन इमीन, ये कंपाउंड एक बना। अब इसके बाद जो चेंज करना है यहां से, इसमें हमने H2O H+ यानी कि हाइड्रोलाइसिस, अब वाटर के साथ में हमने क्या लिया, H+ ले लिया, ठीक है, यानी कि एसिडिक वाटर लिया, एसिड हाइड्रोलाइसिस किया। अब इसमें भी आप देख रहे हैं कि क्या होगा, देखिए पाई बॉन्ड अभी हमारे पास में है, ये भी प्लस आई ग्रुप है, ये भी प्लस ग्रुप है, तो ये आसानी से यहाँ को शिफ्ट होगा। और दूसरा ये है कि नाइट्रोजन अपने आप में इटसेल्फ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो आप पाई बॉन्ड को नाइट्रोजन की तरफ आप शिफ्ट करेंगे, वो यहाँ नहीं कर पाए थे, उसका रीजन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये काफी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल यहाँ पर था, इस वजह से ये यहाँ आया। और क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सबसे पोलैरिटी यहाँ पे है हमारी पोलैरिटी। अब देखें अगर इस मॉलिक्यूल को कंपेयर करें, इस मॉइटी और इस मॉइटी में अगर आप डिफरेंस करें, तो मोस्ट पोलर बॉन्ड यहाँ पे था, मोस्ट पोलर बॉन्ड आप यहाँ देख रहे हैं इस वाले एन और बी एम जी के बीच में। तो इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है, तो बॉन्ड आपका यहाँ शिफ्ट करेगा। अगर आप इस मॉलिक्यूल को एनालिसिस करें, सबसे मोस्ट इलेक्ट्रो पोलैरिटी जो है सी और एन के बीच में है, क्योंकि डबल बॉन्ड है। तो अब उसके बाद अगर आप कंपेयर करें, तो नाइट्रोजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, यहाँ शिफ्ट किया तो यहाँ आएगा हमारा क्या, नेगेटिव, नाइट्रोजन में आएगा नेगेटिव और कार्बन में क्या आएगा, पॉजिटिव। अब वाटर में आपको मालूम है कि एच प्लस और ओ एच माइनस होता है, तो ऑब्वियसली कि बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि कहाँ क्या होगा। देखो आर सी सी एस थ्री एन एच ओ एच एच, ठीक है। जैसे ही पाई बॉन्ड हमारा शिफ्ट किया एन की तरफ को, एन पे नेगेटिव आया, एन पे नेगेटिव आते ही वाटर का एच प्लस उससे जुड़ गया और जो ओ एच माइनस है उसी से जुड़ गया। अब अगर आप यहीं पे इसको प्रोडक्ट लिख देते हैं तो एक प्रॉब्लम आती है, क्योंकि आप देख रहे हैं एक कार्बन है, देखिए कार्बन के साथ में सिंगल बॉन्ड से ये O जुड़ा हुआ है, वही सिंगल बॉन्ड से N भी जुड़ा हुआ है। इट मीन्स एक ही कार्बन से दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो ये थोड़ा सा अनस्टेबल होता है। तो ये दिस वन इज अनस्टेबल, ये अनस्टेबल है, और इसको स्टेबल में कैसे चेंज करते हैं, O और H के बीच का बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, ठीक है। जैसे ही यहाँ शिफ्ट करेगा तो डबल बॉन्ड की पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनेगी, साइमल्टेनियसली ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, और जब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा तो एन पे जो नेगेटिव आएगा ये एच पॉजिटिव उससे जुड़ जाएगा, तो एन एच थ्री अलग हो रहा है और बन गया आर से डबल बॉन्ड ओ, ये नीचे सी एस थ्री है, इसको ऐसे लिख देते हैं, और प्लस जो है क्या बन गया एन एच थ्री और बन गया ये जो एन एच थ्री है। तो दिस वन इज द कीटोन, तो कितने बेटर तरीके से कीटोन यहाँ पर फॉर्म किया। तो पूरा अगर देखें इसको, देखें सबसे पहले अल्काइल साइनाइड आपने लिया, कोई अल्काइल साइनाइड या नाइट्राइल इसको आईयूपीएसी में बोलते हैं सी एन को, उसकी रिएक्शन आपने करी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ने जो है पहले एक एडक्ट फॉर्म किया, ये यहाँ आया और सी एस थ्री भी इसका यहीं ऐड हुआ, एम जी बी आर भी यहीं ऐड हुआ, देन आपने उसको एच सी एल से ट्रीट किया तो एक ये कंपाउंड बना।
देन आपने एसिड हाइड्रोलिसिस करी तो फिर एक अनस्टेबल कंपाउंड बना, उस अनस्टेबल को लास्ट फाइनली कीटोन में आपने कर। अगर इस मेथड से अगर आपको बनाना है एसीटोन तो आप यहाँ पर ले सकते हैं CH3C और आपको उसी के अकॉर्डिंग ब्यूटेनॉन बनाना है तो ये R को चेंज करिए, कोई भी जो है कीटोन बनाया जा सकता है। तो ये एक मेथड क्लियर। इसी तरह से कुछ और मेथड्स हैं जिससे कि हम कार्बोनिल कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं। अब आएगा हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। Hydration by hydration of alkyne. इससे भी आपका जो है एसीटोन या कोई कीटोन बन सकता है। कैसे देखिएगा, अगर कोई आप एल्काइन लेते हैं, जैसे टर्मिनल एल्काइन आप लेते हैं, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, लेट की हमने ये लिया, ठीक है, और इसके साथ में हमने हाइड्रेशन करना है, इट मींस किस किस रिएक्शन करनी है वाटर की। तो जो हमने लिखा था हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन वो तो लिख दिया, ये एल्काइन है इस पे वाटर की रिएक्शन करनी है। बट कंडीशन एक है, कंडीशन ये है कि आप जो है इसमें मर्क्यूरिक सॉल्ट लेते हैं, Hg2 पॉजिटिव का कोई सॉल्ट लेते हैं, जैसे Hg2SO4 है, और उसके साथ में H2SO4 अगर लेते हैं, ठीक है, मर्क्यूरिक सॉल्ट आप लेते हैं Hg2 पॉजिटिव और H2SO4 आप लेते हैं, तो इसको हीट अप करना है। तो फिर आपसे अगर इतने में ही क्वेश्चन मार्क लगा के पूछा जाए कि क्या बनेगा, तो देखेंगे। अब जैसे H2O है, H2O में क्या होता है, H+ और OH- होता है। तो अगर आप H2O के साथ में इसकी रिएक्शन करते हैं, तो अगर आप इस एल्काइन को जो है कंपेयर करें तो CH3 का इफेक्ट होता है प्लस आई, तो ये वाला बॉन्ड आपका शिफ्ट करेगा यहाँ को, ठीक है। जब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा तो इस पे आएगा नेगेटिव और इस पे आएगा पॉजिटिव, तो वाटर का H+ तो जो है यहाँ लग जाएगा और OH- यहाँ लग जाएगा। ये जस्ट जैसे मार्कोनिकॉफ में आप करते थे, मार्कोनिकॉफ का जो एडिशन होता था उसी तरह का एडिशन है, क्योंकि मार्कोनिकॉफ के एडिशन में जिस कार्बन के पास में अनसिमेट्रिकल जो है उसमें और डबल बॉन्डेड जो कार्बन है, डबल बॉन्डेड कार्बन जिसके पास में कि एच की संख्या ज्यादा है, उससे आप क्या जोड़ते थे, हाइड्रोजन जोड़ते, और जिसके पास में एच की संख्या कम है उससे क्या जोड़ा जाता था, OH- जोड़ा जाता या नेगेटिव 5 जोड़ा जाता था। तो ये आप करते थे, तो इसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे जो पहले बनेगा वो हमारा कुछ इस तरह का बनेगा, CH3COH और ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, CH2 बन जाएगा, ठीक है। और जो बना अगर उसको आप देखें तो वो एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल बनेगी। देखिए क्यों, क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन है, देखो डबल बॉन्डेड कार्बन है, डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ में OH है, तो यानी कि ऑल किसके साथ में, इनके साथ, डबल बॉन्ड माने इन, इनके साथ में डबल बॉन्ड के साथ में, डबल बॉन्ड को एल्कीन बोलते हैं, और उसके साथ में ऑल यानी कि OL, इनॉल, ये इनॉल बना हुआ है, और ये इनॉल जो है अनस्टेबल है, या तो इनॉल में जैसे फिनॉल टाइप का हो वो थोड़ा सा स्टेबल हो सकता है जिसमें कि रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो ये अनस्टेबल है। तो ये क्या होता है, टॉटोमराइज होता है, टॉटोमराइज। अब इसको टॉटोमराइज हम अगर करें, टॉटोमराइज करते हैं तो क्या होता, देखिए ये O और H का बॉन्ड जो है यहाँ को शिफ्ट करेगा, साइमल्टेनियसली पाई बॉन्ड शिफ्टेड टुवर्ड्स दिस CH2, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, उस नेगेटिव से ये वाला H पॉजिटिव यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा CH3 C डबल बॉन्ड O
CH3 this one is acetone yani ketone ban gaya. To pehle humne alkyne lena hai, alkyne mein hydration karna hai, ek enol form karega, usko tautomerize kar dena hai stable dene ke liye, kyunki ye unstable hai to stable form hamari ban gayi. To is tarah se ek method hamari hydration of alkyne ho gayi. Same isi tarah se kuch aur bhi methods hum le sakte hain. Hydroboration oxidation ki ek method hai. Hydroboration oxidation of alkyne agar hai ye bhi liya ja sakta hai. Dekhiye kaise hydroboration oxidation by hydroboration oxidation aur ye bhi hum triple bond ka kar sakte hain by hydroboration oxidation of alkyne. जो अभी हमने एल्काइन का हाइड्रेशन किया था उसी तरह से अब हमें हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइन लेना है. तो क्या होगा, लेट की हमने कोई कंपाउंड सिलेक्ट किया है, हमी CH3C CH. तो हाइड्रोबोरेशन इट मींस रिएक्शन विथ डाइबोरेन. डाइबोरेन मींस B2H6. B2H6 को अगर आप लिखते हैं तो BH3 का क्या लिखते हैं, ट्वाइस लिखते हैं. B2H6 से है, B2H6 को लिखा जाता है BH3 का ट्वाइस करके लिखते हैं. ठीक, तो हमें यहां पर BH3 की रिएक्शन करनी है. तो BH3 की अगर आप रिएक्शन इसके साथ में करते हैं तो क्या होगा, ये जो BH3 है ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट मॉलिक्यूल है. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन द सेंस कि जो सेंट्रल एटम है, देखो बी बोरोन के आउटर मोस्ट में होते 1 2 3 H H H, इट मींस 1 2 3 4 5 6 केवल 6 ही इलेक्ट्रॉन है बोरोन के आउटर मोस्ट में आफ्टर बॉन्डिंग विथ 3H. तो इसकी वजह से ये अभी इलेक्ट्रॉन की इसको जरूरत है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है. तो अगर आप इस मॉलिक्यूल को देखें तो इसमें ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल में ऐसे सेंटर पे अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है ज्यादा है. तो ये एक तरह का इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा. तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा वाला देखिए कैसे पता चलेगा, CH3 का प्लस आई इफेक्ट इस पाई बॉन्ड शिफ्टेड टुवर्ड्स हियर, तो यहां नेगेटिव होगा तो ये इस पे अटैक करेगा. ठीक है, तो इस तरीके से जो बना हमारा वो ये बन गया CH3C पर आ गया हमारा पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड CH और CH से लग गया BH H H, और यहां पे आ जाएगा हमारा क्या नेगेटिव. नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि बोरोन जो है जैसे ये यहां शिफ्ट हुआ नेगेटिव तो उस इलेक्ट्रॉन को ले लिया और इलेक्ट्रॉन उसमें एक्सेस हुए जितने उसके पास थे, उसने कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर से लिए तो इस वजह से ये नेगेटिव आ गया. अब यहीं पे इसको हमने कैसे चेंज करना है, और जो ये बी है जो नेगेटिव है वो अपने नेगेटिव को खत्म कैसे करेगा, यहां पर से एक हाइड्राइड शिफ्ट होगा, हाइड्राइड शिफ्ट यहां हो जाएगा, एच नेगेटिव इसके पास आ गया. तो CH3CH डबल बॉन्ड CH और लगा हुआ है क्या BH2. इसके बाद इसको और चेंज हम करेंगे क्योंकि इसमें हमने करना है ये रिएक्शन अपने हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन में भी पड़ा है जिसमें कि हम अल्कोहल इससे बनाते हैं. तो यहां जो BH2 है इसको कैसे हटाना है, हाइड्रोजन परऑक्साइड और एल्कली मीडियम लेकर के इसका ऑक्सीडेशन किया जाता है. जैसे ऊपर ही हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, तो अभी जो हमने एल्काइन लिया, एल्काइन में जो है बोरेन की रिएक्शन करी, तो इसको जो यहां पहुंचाया हमने ये एक तरह का हाइड्रोबोरेशन है. यहां तक ये समझ दीजिए कि हाइड्रोबोरेशन हो रहा है. अब इसके बाद जो है हाइड्रोबोरेशन के बाद क्या करना है, हमने उसका ऑक्सीडेशन करना है एल्कली मीडियम हाइड्रोजन पर ऑक्साइड लेकर के. तो ये जो BH2 है ये BH2 यहां से हट करके इसकी जगह पर आ जाता है OH और H3BO3 अलग हो जाता है. तो यहां पे ये कंपाउंड फॉर्म करता है CH3CH डबल बॉन्ड CH तो है और यहां पे आ जाएगा OH.
और माइनस एच थ्री बी ओ थ्री बोरिक एसिड वगैरह बनता है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे जो कंपाउंड बना है अगर ये स्टेबल है तो रिएक्शन स्टॉप हो गई, लेकिन ये जो कंपाउंड है ये है हमारा इनॉल जो पहले भी बना था इनॉल। देखिए क्यों, डबल बॉन्डेड कार्बन इन और उसी से ओ एच इनॉल, दिस इज अनस्टेबल, ये अनस्टेबल है, इनॉल है अनस्टेबल है। तो ये अपने को चेंज करेगा स्टेबल फॉर्म में, तो वो स्टेबल फॉर्म कैसे बनती है, देखिए ये ओ और एच के बीच का बॉन्ड यहाँ आएगा, इट मीन्स ये टाटोमराइज है, टाटोमर इसका जो बनेगा वो टाटोमर, टाटोमराइज ये यहाँ आया, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट किया तो ये एच इसके पास आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो इट मीन्स सी एच थ्री सी एच सिंगल बॉन्ड सी, हियर इज डबल बॉन्ड और ये एच। तो ओवरऑल ये वाला यहाँ आया, ये एच इसके पास आ गया, तो वन टू थ्री, एक एच यहाँ पर जरूरत है, तो ये आ गया वन टू थ्री, यानी कि प्रोपेनल बिकॉज ऑफ द एल्डिहाइड। तो यहाँ पर भी हमारे पास में देखिए वन टू थ्री कार्बन थे, थ्री कार्बन एल्काइन से थ्री कार्बन एल्डिहाइड आपको बनाना है, तो दिस वन इज द बेस्ट मेथड। तो हमने एल्काइन लिया, बी एच थ्री से रिएक्शन किया, पहले हाइड्रोबोरेशन हुआ, फिर उसका ऑक्सीडेशन किया, ये है ऑक्सीडेशन का स्टेप, ऑक्सीडेशन यहां लिखा हुआ है, यहां पे हाइड्रोबोरेशन है, ये हो गया, दैट्स व्हाई कॉल्ड हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ओके। तो ये प्रिपरेशन एक और आपके सामने रखें, अब इसके बाद हम रखते हैं ओजोनोलिसिस। तो ओजोनोलिसिस से भी जो है आप एल्डिहाइड या कीटोन बना सकते हैं। तो देखिएगा नेक्स्ट मेथड है प्रिपरेशन की, ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन। तो इसमें क्या क्या किया जाता है, कोई आप एल्कीन लेंगे, जैसे कि लेट हमने लिया सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू, एक सिंपल एल्कीन ले लिया, तो इस पर पहले रिएक्शन करनी होती है ओजोन की, ओजोनोलाइसिस, ओजोन की रिएक्शन करनी है, देन उसको ब्रेक करना, लाइसिस लगा हुआ है, कैसे, पहले ओजोन की रिएक्शन के साथ में एक ओजोनाइड बनेगा, तो ओजोनाइड जो बनता है वो कुछ इस तरह का बनता है, सी एच टू डबल बॉन्ड यहाँ पर से हटा, मतलब पहले पाई बॉन्ड हटा, ये आया, ये आ गया, फिर ये वाला बॉन्ड भी हटेगा यहाँ पर से, तो ये ओ आया और यहाँ भी ओ आया और ये आ गया, दिस इज कॉल्ड ओजोनाइट, ये बना ओजोनाइट। अब ओजोनाइट बनने के बाद इसका जो है जेड एन एच टू, जेड एन और एच टू के साथ में ब्रेक करना होता है, जिंक एस्ट्रो के साथ इसको ब्रेक करते हैं, तो ब्रेकिंग जो है कुछ इस तरह से होती है, ये आया, इतना एक साथ हो गया, इतना एक साथ हो गया, तो आप देख रहे हैं कि यहां से भी बॉन्ड टूटा, डॉट यहां से भी टूटा, ये टूटा, तो ये मिलकर के यहाँ डबल बॉन्ड आ जाता है, तो सी एच दो एच तो यहाँ ही, दो एच यहाँ भी है, तो इसमें जो है सी एच दूसरा एच और डबल बॉन्ड, दूसरी तरफ भी वही है, तो ट्वाइस ये बन जाए और ये ओ और ये मिलकर के एच टू बन जाए, तो ये तो बन गया फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, ओके। तो इसके बाद अब इसी का डेरिवेटिव हमने बनाना है, सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, ये लेकर के भी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू से अगर हम जाए यहाँ पर एक सी एच कर दिया एच ये लगा दिया, तो देखिए क्या बनता है, ओ थ्री पहले ओजोनाइड बनेगा, ओजोनाइड अगर बनेगा तो देख रहे हैं केवल यहाँ पर एच हटके सी एच थ्री लग गया, तो सेम वही चीज है, देखिए
CH3 अपनी जगह रहेगा, CH हो गया, फिर यहां से ओजोनाइड बना, ये ओजोनाइड बन गया। उसके बाद अगर आपने इसको ब्रेक किया ZnH2, इतना एक साथ ब्रेक हुआ, इतना एक साथ ब्रेक हुआ, CH3CH डबल बॉन्ड O, CH3C डबल बॉन्ड O H1। दूसरी साइड आप देख रहे हैं CH डबल बॉन्ड O। इट मींस इस रिएक्शन से एक तो बना हमारा एसिटाल्डिहाइड और एक बना फॉर्मल्डिहाइड। पहले वाले में आप देख रहे हैं केवल फॉर्मल्डिहाइड बना था, अब वाले में दो डिफरेंट टाइप के जो हैं एल्डिहाइड आपके फॉर्म कर रहे हैं, एसिटाल्डिहाइड और फॉर्मल मिक्सचर ऑफ द एल्डिहाइड। नाउ हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा बने कि कीटोन भी एक बने, तो हम यहां पर से कुछ डेरिवेटाइज और करते हैं। जैसे यहां हम इस एच को भी हटा देते हैं, जैसे यहां पर एक एच हटाया ये लगा, अब इस एच को हटाते हैं, प्लस ओ थ्री। अब आगे क्या हुआ, CH3 देख लीजिए, यहां पर इस पोर्शन में जो है ओजोनाइट का फॉर्मेशन होना है, यहां पर बॉन्ड जो बनने हैं CH3, ये हो गया CH3, फिर यहां बनेगा आपका OCH2O, ये बन गया, दिस इज द ओजोनाइट। ये ओजोनाइट जो बना, इस ओजोनाइट का आप ZnH2 के साथ में ब्रेक करेंगे तो इतना पोर्शन एक साथ होगा, इतना पोर्शन एक साथ होगा, तो CH3CCH3 डबल बॉन्ड O, CH3CCH3 डबल बॉन्ड O, देखिए कीटोन बन गया और एक इस साइड में आपका फॉर्मल्डिहाइड बन गया। ओके, आप दोनों तरफ से जो है यहां से भी अगर आप चेंज करते हैं तो कुछ और बना सकते थे, हमने एक तरफ से चेंज करके बनाया। तो दिस इज ऑल ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन हमने बताया आपको। अब एक मेथड और है जिसमें कि आप एसिड क्लोराइड से इसको लेते हैं, एसिड क्लोराइड, तो एक मेथड आपको और बताते हैं जो कि प्रिपरेशन है फ्रॉम एसिड क्लोराइड। तो फ्रॉम एसिड क्लोराइड से देखें कैसे बनता है, फ्रॉम एसिड क्लोराइड से भी आप एल्डिहाइड वगैरह बना सकते हैं। एसिड क्लोराइड हो गया हमारा CH3C डबल बॉन्ड O Cl, ये हो गया हमारा 1,2, अगर इसका UPC नेम बोले तो इथेनॉइल क्लोराइड। तो इथेनॉइल क्लोराइड पर अगर आप रिडक्शन की प्रोसेस करते हैं तो इसका माने रिडक्शन है, जैसे H2PD तो लेना है इसमें, साथ में BASO4 वगैरह लेते हैं, बेरियम सल्फेट वगैरह लेते हैं, और इसमें एक्चुअल में ये फर्दर ऑक्सीडाइज ना हो फर्दर, क्योंकि अभी हमने ऑक्सीडाइज इसको करता तो ये Cl हट जाना है, H आ जाना है, CH3C डबल बॉन्ड O H आ जाना है यहाँ पर। यह आप हाइड्रेशन न करके हाइड्रोजन की रिएक्शन कर रहे हैं तो H ये ले लेगा Cl, H यहां जाएगा, तो इसको फर्दर अगर आप इसको रिडक्शन करेंगे तो एल्डिहाइड का कहां बन जाएगा, कीटोन में बन जाता है, नो ये अल्कोहल में बन जाता है, प्राइमरी अल्कोहल बन जाता है। ओके, प्राइमरी अल्कोहल न बने यही में रिएक्शन स्टॉप हो, इसलिए इसमें सल्फर वगैरह भी मिलाया जाता है, सल्फर की वजह से यहां पर स्टॉप हो जाता है। तो इथेनॉइल क्लोराइड लेकर के आप H2PD BSO4 और ये सल्फर मिला करके लेते हैं तो यहाँ पे आपका रिएक्शन स्टॉप हो जाता है, ये प्रोडक्ट आपका बन गया 1,2 यानी कि एसिटाल्डिहाइड, या UPEC में इसको लिखते हैं इथेनॉल। तो ये सब मैंने आपको बताया प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, अलग अलग तरीके से आप एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को साइमल्टेनियसली दे सकते हैं कि कहीं पे जो है आप कीटोन बना सकते हैं और किसी मेथड से एल्डिहाइड भी और कीटोन दोनों ही बना सकते हैं, बट कुछ मेथड ऐसी है जिनमें कि आप या तो
एल्डिहाइड बना सकते हैं या कीटोन बना सकते हैं। तो ये वाली जो मेथड थी अभी जो हमने लिखी फ्रॉम एसिड क्लोराइड, इससे हम केवल जो है एल्डिहाइड ही फॉर्म करते हैं, इससे हम कीटोन नहीं बना सकते हैं। और जो एल्डिहाइड इसमें बनेगा, जो आपने एसिड क्लोराइड लिया है जितने नंबर का कार्बन, जैसे दो नंबर के कार्बन यहाँ है, दो कार्बन यहाँ है, तो एल्डिहाइड भी आपका दो नंबर के कार्बन का ही बनेगा, सेम नंबर ऑफ कार्बन का एल्डिहाइड फॉर्म कर रहे हैं। बहुत जगह पर क्या होता है, जहाँ ऑक्सीडेशन या बॉन्ड ब्रेक होता है, तो वहां पर आपने सबस्ट्रेट अगर चार कार्बन का लिया है तो आपका कंपाउंड जो है तीन कार्बन का भी बन सकता है। तो लेकिन यहाँ पर ऐसा कहीं पर भी हमने कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक नहीं किया है, तो जो आपका स्टार्टिंग नंबर है कार्बन का, वही प्रोडक्ट का भी स्टार्टिंग नंबर रहेगा। तो इस तरीके से ये प्रिपरेशन है। नाउ अब हमारा आएगा इसके बाद प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, थैंक यू।